हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम शक्ति। तो आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये एक पूरी आरआरबी की सीरीज हम लोग लाए हैं, जिसमें सारी की सारी आरआरबी की क्वेश्चन जो भी 1997 से लेकर 2018 के बीच में जितनी भी ग्रुप डी की एग्ज़ाम अभी हुई, आरआरबी एनटीपीसी का 2016 का एग्ज़ाम हुआ, आरआरबी जे का एग्ज़ाम हुआ, और जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे का सारा क्वेश्चन की सीरीज हम लोग ला रहे हैं। तो उसमें से ये पहला पार्ट है जिसमें से हम लोग 1500 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में, हर एक पिछले जितने भी आरआरबी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं। तो ये है हम लोग का ये पहला पार्ट, जिसमें से हम लोगों ने 210 प्लस क्वेश्चन कवर किया है। आने वाले दिनों में इसके तीन पार्ट में सारी आरआरबी की वीडियो, आरआरबी की जितनी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से हमारा एक नया सीरीज। अगर जिन्होंने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है, वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने हर एक सब्जेक्ट की नई सीरीज चालू कर रखी है 1000 प्लस क्वेश्चन की। तो उसमें से ये आरआरबी की सारी क्वेश्चन का एक सीरीज है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। देखिए, बताना है आपको कि ये बताना है कि जो हमारे मौर्य डायनेस्टी है, उसके लास्ट राजा कौन थे। तो कौन थे वो? बृहद्रथ थे, बृहद्रथ, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने किसको हरा के राजगद्दी पाई थी? घनानंद को हरा के इन्होंने मौर्य वंश का स्थापन किया था। फिर इसके धीरे धीरे इसके बेटे बिंदुसार हुए, फिर बिंदुसार के बेटे अशोक, जिन्होंने कलिंग उगार किया और गौतम बुद्ध का हर जगह प्रचार किया। तो और इसी में इसके लास्ट फिर बृहद्रथ जो है, ये लास्ट एम्परर है। इन ए वेब ब्राउज़र विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू से फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट। ये तो आप लोग सबको लोगों को पता होगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? फेवरेट। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट, देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना, ये और हिस्ट्री पॉलिटी करंट से अलावा भी एक टॉपिक होता है मिसलेनियस का, जिसमें आपको विविध तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर से, हिस्टोरिकल से, प्लेयर से, क्रिकेट, जितने भी खेल कूद से, मतलब मोन्यूमेंट हो गया, फर्स्ट लेडी कौन है, ये लेडी कौन है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग को अच्छे से देखना है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में, पिछले आरआरबी के एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। कहाँ पर लोकेटेड है खजुराहो का मंदिर? कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ऑन विच लेक इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। अब देखिए, आप सोचिए गोल्डन टेम्पल है तो गोल्डन लेक के किनारे होगा। नहीं, वो गोल्डन टेम्पल के लेक गोल्डन लेक के किनारे नहीं है। वो कहाँ है? ये है अमृत सरोवर लेक में, जो कि अमृतसर में है। अमृतसर के नाम से ही अमृत सरोवर लेक, या नहीं नहीं सॉरी, यही लेक के वजह से वो नाम अमृतसर पड़ा शहर का, और ये गोल्डन टेम्पल उसी के किनारे है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन कैम फर्स्ट। अब देखिए, आपको बताना है कि सबसे पहले ये चारों में से सबसे पहले कौन सा इन्वेंशन हुआ, किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ चारों में से। तो चारों में सबसे पहला इन्वेंशन किसका हुआ था? टेलीस्कोप का, जो कि गैलीलियो ने किया था। विच आर्ट फॉर्म वाज मृणाली साराभाई एसोसिएटेड। ये देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक तरीके से थोड़ी सी हट के जानकारी भी आपको चाहिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विच आर्ट फॉर्म हैज मृणाली साराभाई एसोसिएटेड। तो किस आर्ट फॉर्म से मृणाली साराभाई? ये है भरतनाट्यम से, ठीक है। किससे? भरतनाट्यम से। ये क्वेश्चन तीन चार बार पूछा है, तो मैं उसको इस क्वेश्चन को एक ही बार लिया हूँ, क्योंकि ये पिछले हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेता है। मिलानी साराभाई भरतनाट्यम। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रे डज नॉट पेनेट्रेट अर्थ एटमोसफियर। बताइए कौन सा रे है जो पेनेट्रेट अर्थ एटमोसफियर नहीं करता है? तो वो है एक्सरे। हम लोगों ने जो फिजिक्स की सीरीज है, उसमें से ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे करवा चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा है, जितने भी रे हैं, जितने भी वेव हैं,
सर के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन अपलोडेड है। द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर वन डे इंटरनेशनल ओडीआई में सबसे पहले कप्तान कौन थे भारत के, तो कौन थे वो बताइए, दिमाग लगाइए कौन थे, बताइए कौन थे। और देखिए एक आप लोगों ने सी के नायडू कब सुना होगा क्रिकेट में, तो वो सी के नायडू एक खिलाड़ी थे जिसके नाम पे सी के नायडू क्रिकेट कप होता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है अजीत वाडेकर। ओहो ये थोड़ा ऊपर चला गया है, इसको ये क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ मैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, बताइए इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, ये कॉपर डाइऑक्साइड कभी सुने हैं कभी, कार्बन डाइऑक्साइड आप सुने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन कॉपर डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो इसीलिए 10 का 4। ऑन विच फेस्टिवल डू, देखिए इसमें सारा क्वेश्चन मिक्सअप क्वेश्चन है, जितने भी साइंस का हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, तो आपको आप इसमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको सारा का सारा क्वेश्चन आप पीछे का आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, तो यही है इस तरीके का। तो इसमें देखिए ऑन विच फेस्टिवल डेट द जलियांवाला बाग मसकरा टेक प्लेस, बताइए कौन से दिन हुआ था जलियांवाला बाग, उस दिन कौन सा था, कौन सा पर्व था, बैसाखी था उस दिन, ठीक है बताइए क्या होगा इसका आंसर, बैसाखी। ये देखिए अब विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए कंप्यूटर वायरस, कुछ कुछ कंप्यूटर की जानकारी आपको आना बहुत ज़रूरी है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन से डील करना सीखना पड़ेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए कंप्यूटर वायरस, बताइए इसमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, आपको सुन के लगेगा एड्स तरह से तो आदमी वाला भी वायरस है जो आदमी में होता है, लेकिन एड्स जो है ये कंप्यूटर वायरस है, ये अन्ना कॉर्निकोविका ये भी है, ब्रेन भी है, डॉन जो है ये नहीं है कंप्यूटर वायरस, ठीक है, ये डरपोक वायरस है, ये डॉन, बस नाम डॉन है यानी डरपोक है, ये कोई वायरस नहीं है। इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूनियन टेरेटरी, देखिए हमारे भारत में यूनियन टेरेटरी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहता है वो कौन रहता है, तो वो रहते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल होता है, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर का अभी कौन है उपराज्यपाल, तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू, लद्दाख का कौन है, लद्दाख का आर के माथुर, तो वो सब जो हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में आएंगे। जायकवाड़ी प्रोजेक्ट विच वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन द रिवर, ये देखिए कल हम लोगों ने जो ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ी थी उसमें से ये क्वेश्चन है कि द जायकवाड़ी प्रोजेक्ट कहाँ पे, मतलब कौन से नदी पे है, तो कौन से नदी पे है, गोदावरी में है, महाराष्ट्र में है जायकवाड़ी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, ये तो सबको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर। विच वॉज द फर्स्ट वुमेन्स स्पोर्ट्स टू बी इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक, देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो आपको इस तरीके सब ये सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में आना चाहिए और कुछ कुछ पैटर्न की और भी देखना चाहिए। विच वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक, कौन सी पहली महिला है, पहला महिला का स्पोर्ट्स है जो इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक में, वो था गोल्फ। ए पी एच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज लोअर देन 7, इट वुड बी कंसिडर्ड एड, बताइए अगर पी एच वैल्यू जिसका 7 से कम होगा तो किस में आता है, एसिड बेस या न्यूट्रल, तो सबको पता है जो जिसका 7 से नीचे है तो वो एसिड में आएगा। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बसीलिका ऑफ बॉम जेसस लोकेटेड, कहाँ पे है बसीलिका ऑफ बॉम जेसस लोकेटेड, ये है गोवा में, गोवा का चर्च है ये बहुत प्रसिद्ध चर्च, एक बार आप गूगल देखिएगा इसका फोटो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, बताइए इसमें से कैल्शियम का रिच सोर्स कौन नहीं है, देखिए चीज़ होता है, कोलाड ग्रीन्स होता है, फिक्स होता है, ये कैरोट जो होता है ये नहीं होता है, ये विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है कैरोट, कैरोट गाजर खाने से विटामिन ए मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा, तो इसमें से लेकिन कैल्शियम पूछ रहा है तो कैल्शियम के लिए कैरोट नहीं होगा, उसके लिए दूध सब पीजिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए नॉवेल लिटरेचर, बताना है कि सबसे पहले इंडिया जो भारतीय थे वो जिसको नॉवेल मिला था कौन थे, वो तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी।
उनका जो पुस्तक था गीतांजलि, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था कब, 1613 ईस्वी में, नहीं नहीं सॉरी सॉरी कब 1913 में। इंडियन बॉर्न शिवा अय्यादुराई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ, ये देखिए भारतीय मूल का व्यक्ति था ये शिवा अय्यादुराई। तो हमें बताना है कि शिवा अय्यादुराई दुराई जी ने क्या इन्वेंट किए, तो क्या इन्वेंट किए थे, ये ईमेल को इन्वेंट किए थे। रीलोकेशन ऑफ इनडेंजर और रेयर स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू प्रोटेक्टेड एरिया इक्विप्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड, क्या होगा बताइए इसका, होगा एक्स सीतु कंजर्वेशन। फ्रॉम विच कंट्री इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो, बताइए कौन सा हमारे भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, USSR से, रसिया से। कितने अभी हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 हैं। ये कौन से संविधान में जोड़ा गया था संशोधन में, तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976। और इनमें और दो वर्ड जोड़े गए थे, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये दो वर्ड और जोड़े गए थे इनमें, ठीक है। तो और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 को, तो ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए थे, USSR से। इंडिया द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव द सी लेवल लाइज इन विच स्टेट, बताइए इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो क्रिकेट ग्राउंड है कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, वो हिमाचल प्रदेश में है। व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म, सोचिए क्या होगा, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म, ये होगा आपका द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ठीक है। जियोट्रॉपिज मतलब ये सनलाइट, ये नहीं तो जी से जी ग्रेविटी, आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि जियोट्रॉपिज्म है तो ग्रेविटी होगा, ये उसी टाइप से फील हो रहा है, जियोट्रॉपिज ग्रेविटी, तो ग्रेविटी में। इन 1831 द इलेक्ट्रिसिटी बिकम वियबल फॉर यूज इन टेक्नोलॉजी व्हेन डैस क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक डायनेमो, कौन थे वो जो इलेक्ट्रॉनिक डायनेमो का आविष्कार किए थे, तो वो थे हमारे फराडे जी। ये देखिए आप लोग हमको डायनेमो का ये कैसे याद करेंगे, तो देखिए डायनेमो डी से होता है और ई के जस्ट बाद एफ आता है, तो उसके नज़दीक आपको ऑप्शन हमेशा दिखेगा फराडे वाला, ठीक है। तो उस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। और डायनेमो देखिए, अगर आप एफ और एफ से कंफ्यूज हो जाइएगा कि फ्रैंकलिन है कि फराडे है, फिर देखिएगा डी डायनेमो से होता है लेकिन डी फ्रैंकलिन नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा आपको फराडे में डी। तो इस तरीके से आप याद कुछ भी कैसे भी करके बस आपको याद कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डायनेमो का कौन किए थे, माइकल फराडे जी, फराडे फराडे। देखिए डी वाई इसमें भी है, डायनेमो में भी है, और फराडे के लास्ट में भी डी वाई लगा दिख रहा होगा आपको उसके लेटर में। तो ऑप्शन में आप देखिएगा गौर से चीज़ों को ना, तो आपको पता चल जाएगा उस। When object is thrown straight upwards gets to the top of its path, its, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है एकदम सीधे डायरेक्शन में, अगर वो टॉप पे जाता है एक जगह पे कहीं पे, तो उस समय बताना है कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे, वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। Which of the following gases in air is responsible for the discoloration of brass? बताइए brass का discoloration के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, कौन सा गैस जिम्मेदार होता है, H2S। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा का सारा एग्जाम लेवल का क्वेश्चन और बहुत अच्छे लेवल का है। इंडिया नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, अगर आप आरबी NTPC का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं फिर। और SSC CGL में भी उसकी सीरीज एक अलग चल रही है जिसमें आप, ये सिर्फ स्पेशल RRB के लिए है, ठीक है। तो ये RRB के लिए तो ये बहुत अच्छा साबित होगा।
इंडियाज नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इज़ ए मंत्र फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर। बताना है कि सत्यमेव जयते कौन से किताब से हमारे जो भारतीय वेद हैं, जो भी भारतीय उपनिषद हैं, तो कौन से बुक से लिया गया है। ये लिया गया है हमारे मुंडक उपनिषद से। द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। इन लोग तो आप लोगों को सब पता होगा, सब कंप्यूटर चलाते होंगे आजकल, बूटिंग। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए अब सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कब हुआ। इंडियन नेशनल फॉर्म कब हुआ, 1885 में। किनके अध्यक्षता में, मतलब उस टाइम किस कांग्रेस को कौन फॉर्म किए थे। एक ए ओ ह्यूम नाम के एक व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश मूल के थे, वही उन्हीं के राय पे कांग्रेस का गठन हुआ था। तो पूछ रहा है कि 1885 में जब कांग्रेस खुल गया तो उस टाइम पहला प्रेसिडेंट कौन बना। जैसे अभी सोनिया गांधी है कांग्रेस की प्रेसिडेंट ना, उसी तरीके से सबसे पहला आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला कौन था, तो उस तरीके से बस याद कर लीजिए, वो मेस चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ये देखिए यही ए ओ ह्यूम जो है ये कांग्रेस का संस्थापक था। द मुगल अम्पायर वॉज फाउंडेड बाय। अब देखिए ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कि मुगल अम्पायर जो है कौन फाउंड किया था। तो कौन फाउंड किए थे, अफगानिस्तान से आए थे बाबर जी और बहलोल लोदी को हरा के, इब्राहिम लोदी को हरा के अपना फिर राजपाट संभालने लगे और आ गए, फिर राज मुगल खोल दिए अपना दरबार। द ओल्डेस्ट फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। अब पूछ रहा है कि जो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फील्ड है तेल का, पेट्रोलियम का, कहाँ पे है। तो वो कहाँ पे है, असम के दिगबोई शहर है, दिगबोई शहर है असम में, वहीं पे है सबसे पहला ऑयल फील्ड, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, साउंड वेव्स आर द, ये देखिए जो फिजिक्स की हमारी क्लास थी उसमें ये सारी चीज़, सारा क्वेश्चन उसमें से है, आप एक बार देखिएगा। साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, कौन कौन सा वेव है साउंड वेव, मतलब इसमें फॉल्स बताना है कि कौन सा एक नहीं हो सकता है, तो कौन सा एक इसमें नहीं हो सकता है। तो देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो आपको अगर ऑप्शन में ये दिख गया तो आप ऐसे ही इसको मारिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स ये हो ही नहीं सकता है कभी ज़िंदगी में। हाउ मैनी बोन्स डज ए न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव, कितना है, तो सबको पता होगा 350। विच ऑफ द फ्लोइंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। ठीक, तो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी फिर रेड का ही होगा ना फिर, तो इसीलिए रेड हो जाएगा। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रेड, और वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ रहता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट का होगा। द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, कौन सा है, तो वो ब्रोमीन है। देखिए कुछ कुछ फोक डांस भी आपको याद करनी पड़ेगी, जिसमें कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उम्र कम, जैसे क्लासिकल डांस तो आपको याद होना ही चाहिए कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, ये सब आपको याद होना ही चाहिए। तो आंध्र प्रदेश का क्या है क्लासिकल डांस, जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, उसके बाद केरला का कथकली है, उसके बाद कर्नाटक का यक्षगान है, उसके बाद यूपी का कथक है, उसके बाद ख़त्म, इतना ही है इतना। उसके बाद जितना भी लास्ट में अट्टम दिखेगा आपको, मोहिनी अट्टम जो भी अट्टम रहे वो सारा का सारा केरला का है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है मान चीज ऑफ फोक, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शनल है कि ये सब क्वेश्चन है कि स्किप आप कर सकते हो, लेकिन देख लेते हैं। मान चीज ऑफ, जितना हो सके डांस क्लासिकल डांस कम से कम याद रखिएगा। मान चीज ऑफ फोक डांस फ्रॉम, कहाँ का मान फोक डांस है, तो मध्य प्रदेश का है।
Which of the following was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928? बताइए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस इसका आविष्कार किया था? किया था पेंसिलिन का। क्या है इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा पेनिसिलिन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21A? बताना है कि इसमें आर्टिकल 21A का जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया हुआ है तो वो किस चीज़ के लिए है, कौन सा एक्ट के लिए? तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग मोनूमेंट बिल्ड बाय मोहम्मद कुलूब विच ऑफ द फ्लोइंग मोन्यूमेंट्स बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब सा सेड टू बी बिल्ट टू कॉमरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्ले? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले देखिए एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले ये पूछेगा इसका आंसर, इसलिए पहले बता देते हैं क्या बनवाया गया था। तो चार मीनार बनवाया गया था। देखिए तो चार मीनार कौन बनवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने बनवाया था, ठीक है। और किस लिए बनाया गया था? टू बिल्ड द कॉमेमोरेट द रिडक्शन ऑफ प्लेग, ठीक है। ये देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर? बताइए इसमें से वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है। हाउ हाई इज द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर? जो बैडमिंटन खेलते होंगे तो बीच में जो नेट लगा रहता है तो कितने ऊंचाई पे उसको रखा जाता है? देखिए तो इस लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा सब चीज़ की और देख के चलना पड़ेगा। तो कितना हाइट रहता है? 5 फीट का, लेकिन ये सब आने का चांस बहुत कम है, लेकिन इक्का दुक्का है, इसको स्किप भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज द ट्रेडमार्क ऑफ? बताइए यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका ट्रेडमार्क है? तो वह है बेल लेबोरेटरीज का। द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग वॉज इन्वेंटेड एंड यूज इन 1902 बाय? क्या पूछ रहा है कि एसी का इन्वेंशन 1902 में हुआ और यूज किया गया, तो कौन इसका इन्वेंट किया है बताइए? देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, इन्वेंशन देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वेंशन वगैरह वाला। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विलिस कैरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड? बताइए सबसे कॉमन क्या है जो किडनी में जो स्टोन हो जाता है, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? वो स्टोन जो रहता है वो किस कंपाउंड का रहता है? वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का रहता है। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन टंग? कितना होगा बताइए? ये होगा 2000 से 8000 के बीच में। ये सारी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे का ही क्वेश्चन है, और आप लोग अच्छे से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? बताना है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किस पिता किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था विक्रम ए साराभाई को, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ? किससे बना होता है? टंगस्टन से, ये तो सबको पता होगा। ये देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत अब हो रहा था, वो नीचे नहीं हो पाया, तो आप समझिएगा C12H22O11 है, ठीक है। तो बताना है कि इसको और क्या कहा जाता है, किस नाम से ये जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शुगर के नाम से। देखिए ये फॉर्मूला C12H22O11। इन टेनिस हार्ड कोर्ट इज द टाइप ऑफ कोर्ट उस सरफेस इज मेड ऑफ? बताइए जो जो टेनिस टूर्नामेंट होता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पे हो गया, विंबलडन हो गया, ग्रास पे हो गया विंबलडन, तो उसी तरीके से पूछ रहा है जो टेनिस में हार्ड कोर्ट होता है उसका सरफेस होता है किस चीज़ से बना होता है? तो बना होता है कंक्रीट से, तब ना वो हार्ड हुआ है। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कम्पोज बाय? देखिए नेशनल एंथम तो कंपोज किए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी,
और पूछ रहे हैं यहाँ नेशनल सॉन्ग, तो नेशनल सॉन्ग कौन कंपोज किए हैं, तो वो कंपोज किए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, कौन सा इफेक्ट नहीं है, ओजोन डिप्लेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वेयर बिल्ट इन 1911 टू कॉमरेड द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी, तो किस इनके स्वागत में क्या बनवाया गया था दिल्ली में। आपको पता होगा कि दिल्ली में जब ये एंट्री लिए थे तो दिल्ली में भी इनको आना था, तो दिल्ली में इनके लिए बनवाया गया था कनॉट प्लेस जो है, ये तभी का बना हुआ है। तो और फिर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बना के इनका स्वागत किया गया था। विच इज इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर डेट डज नॉट फ्लो इन टू द सी, बताइए। कल की ही हम लोगों ने कल ज्योग्राफी की क्लास की है, उसमें से ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा। तो बताइए, विच इज इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर डेट डज नॉट फ्लो इन टू द सी। सबसे पहले आपको ध्यान में आया कि गंगा तो जाके सी में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इस तरीके से सोचिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का थोड़ा सोचा कीजिए। गंगा आप लोगों को पता होगा, हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल में इसके बारे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको पता होगा गंगा बे ऑफ बंगाल में बहती है। देखो, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियाँ मैंने बताई हैं कि ये हमेशा वेस्ट फ्लोइंग रहेगी और अरेबियन सी में जाके गिरेंगी, और कावेरी ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो बचा एक, तो जमुना आंसर हो जाएगा सीधा। विच इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया, तो कौन सा मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है इंडिया का, वो है राइस। इन विच सिटी द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइन, बताइए कौन से शहर में सोने की वैल्यू मापी जाती है, निकाला जाता है, तो कहाँ पे, लंदन में। विच विटामिन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, देखिए अगर ऑप्शन में विटामिन के नहीं दिया हुआ है तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, विटामिन के ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, और अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर वो विटामिन B12 होगा, क्योंकि डी ए तो आप ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते हैं कि कभी सुने भी नहीं होंगे कि डी में तो वो जो सनसर मिलता है हम लोग को वो होता है, विटामिन ए में नहीं होता है, विटामिन ई भी नहीं होता है, विटामिन ए फ्रेश वेजिटेबल सब में के लिए हेल्प होता है, उसमें मिलता है, और विटामिन के ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए है। वेयर डेड चिपकू मूवमेंट बिगिन, आपको पता होगा ना चिपकू आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो कब हुआ था ये, तो ये राजस्थान में हुआ था, कब, 1972-71 के टाइम ये अभियान चला था राजस्थान में चिपकू मूवमेंट, कि पैर वाटरी को काटा ना जाए फॉरेस्ट जंगल के लिए। नेम द कैपिटल ऑफ युगांडा, बताइए युगांडा का कैपिटल क्या है, तो क्या है युगांडा का कैपिटल, कंपाला। व्हाट इज मधुबनी आर्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा, जो बिहार के होंगे वो लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, तो क्या है ये एक फोक आर्ट प्रैक्टिस है बिहार का, जो मधुबनी जिला है बिहार में वहीं पे ये दर्शाया जाता है, इसीलिए मधुबनी आर्ट इसका नाम पड़ा हुआ है। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो C++ तो लैंग्वेज है ना, तो यही हो जाएगा आंसर। व्हाट इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, क्या होगा मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट, क्या होगा इसका, इसका होगा एंटीबॉडीज। व्हाट इज एन आर्कियोपेलॉगी, बताइए आर्कियोपेलॉग क्या है, वो एक ग्रुप है, चेन है, क्लस्टर है और कलेक्शन है आइलैंड का, इसको बोलते हैं आर्कियोपेलॉजी। व्हाट डिड M.S. स्वामीनाथन एन इंडियन जेनेटिस्ट प्ले ए लीडिंग रोल इन, देखिए M.S. स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा, किसमें सुना था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के टाइम थे 1966 में,
और आपको पूछेगा श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि वाइट रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए थे, और एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन से थे। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस, तो बताइए कहाँ पे इंडियन का जो करेंसी है भारत का कहाँ पे छपता है नोट, वो छपता है नासिक में। माइका इज अवेलेबल एविडेंटली इन विच स्टेट, बताइए कौन से स्टेट में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। इस ऑप्शन के अनुसार से आपको अगर झारखंड दिया रहा तो झारखंड मारते, लेकिन बिहार दिया तो बिहार होगा, तो बिहार इज द आंसर। वाट इज़ द साइबेरियन आईबैक्स, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ लेता है। वाट इज़ द साइबेरियन आईबैक्स, साइबेरियन आईबैक्स क्या है, ये एक लार्ज एंड हैवली बिल्ट गॉट है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन और लॉस में जो इलेक्ट्रॉन होती हैं वो लॉस्ट हो जाता है, और रिडक्शन में जो होता है वो लॉस्ट नहीं होता है, वो गेन होता है। वेयर इज मसाई मारा नेशनल पार्क रिजर्व, ये देखिए कुछ कुछ अनोखा नाम पूछेगा आपको बाहर से, तो मसाई मारा, ठीक है। देखिए तो आपको देखिए यहाँ पे एक मसाई मारा दिख रहा होगा आपको, मारा, और ऑप्शन में देखिएगा केन कुछ टाइप का दिख रहा है ना, केन मतलब WWE का जो केन है, तो केन देखते हो कैसे मारा था एक बार खली को, तो उसी तरीका से केनिया जो है ना, तो उस तरीका से आप याद कर सकते हैं कि केन खली मारा ये सब पूरा के कैसे पूरा आपको दिमाग में रहेगा। तो खली से कोई नहीं जी सकता था, वो तो एक बार मार खाया था, उसके बाद अगले मैच में खली उठा उठा के पटका था फिर केन को। वाट इज स्पीक सेपक टकराव, देखिए क्या क्या नाम है भाई ऐसे क्वेश्चन का। वाट इज सेपक टकराव, तो क्या है ये, किक वॉलीबॉल है। वाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, देखिए किस अब इसमें देखिए फंस जाएगा कोई आदमी, कोलंबो मार देगा कोई, क्या मार देगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा ये होगा जयवर्धना पूरा कोट्टे, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया रहता ना तो आप कोलंबो मार सकते थे, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ये भी दिया है ये भी दिया है, तो ये जो है इसका साइंटिफिकली ये सही आंसर होगा, मतलब जो वहाँ की सरकार ने बोला गया है श्रीलंका की यही कैपिटल है। द पंचतंत्र फेवर्स आर थॉट टू बी कम्पोज बाय, जो पंचतंत्र जो किताब थी तो उनके लेखक कौन थे, कंपोज कौन किए थे, तो वो किए थे विष्णु शर्मा। वाट वॉज द कोड नेम ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन पोखरण इन 1998, देखिए कैसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेता है। बताना है कि जो इंडिया जो पोखरण में 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसका नाम क्या रखा था, तो उसका नाम रखा था ऑपरेशन विजय। हु इज एंजोली इला मेनन, कौन है ये, एक इंडियन फीमेल आर्टिस्ट है। विच कंटेम्प्रेरी पेंटर मेड ए सीरीज ऑफ पेंटिंग महात्मा गांधी, बताइए इसका आंसर। कौन है इसका, इसका आंसर हो जाएगा अतुल दोलिया। 0 degree centigrade इज इक्वल टू व्हाट डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, ये देखिए आपको एक फॉर्मूला अगर याद होगा कि C/5 इक्वल टू F-32/9, तो इसमें पूछ रहा है कि जो 0 degree centigrade है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, तो किस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे 0 degree centigrade होता है, तो 32 degree फ़ारेनहाइट पे 0 degree centigrade होता है। अगर आपको नहीं है तो देखिए देख लीजिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, F-32 ना, तो देखिए कैसे होगा, तो 32-32/9, ये तो 0 इधर ही आ गया, और C/5, तो 32 से 32 0 कुछ भी कर दीजिएगा तो 0 ही होगा डायरेक्ट, तो 32-32 इसीलिए 32 degree फ़ारेनहाइट पे, तो फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज फॉर एडल्ट, मतलब जो दिल का धड़कन है वो कितने बीट्स पर मिनट तक
के बीच में रहना चाहिए, तो वो 60-200 के बीच में रहना चाहिए, एक नॉर्मल जो धड़कन का जो ये रहता है। हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू रीच समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। देखिए यहाँ पे कोई इंडियन नहीं पूछ रहा है आपसे, पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा है कि सबसे पहले वर्ल्ड में कौन है जो कि पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे, तो कौन है वो? वो है जुन्को तवई। ये देखिए द दिब्रू साइखोवा नमेरी एंड ओरांग नेशनल पार्क आर ऑल फाउंड इन विच स्टेट। पता है ये क्वेश्चन आप बस एक सेकंड में सॉल्व कर सकते, तक बस आपको ये दिब्रू पता रहता तो बस दिब्रू। हमारे इधर एक ट्रेन आती है दिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि असम से ही होके आती है, ठीक है, तो इसीलिए उसी के नाम पे दिब्रू साइखोवा जो है ना दिब्रूगढ़ वहीं से आया है ये, तो दिब्रू नेशनल पार्क जो है असम में है, तो बस सीधा आंसर असम हो जाता है। और ये सब मेरे को नाम पता नहीं था, तो इस तरीके से आप भी दोनों को याद कर सकते हैं, तो उसका हो जाएगा दिब्रू साइखोवा नमेरी एंड ओरांग। ये दोनों कभी अलग से पूछ दिया तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है याद करना, ये लो ये भी। तो उसका एक ट्रिक है डॉन असम का नेशनल पार्क का, ठीक है, डी से डिब्रू साइखोवा, ओ से ओरांग, एन से नमेरी, तो डॉन याद रखिएगा असम का नेशनल पार्क के लिए। द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ व्हाट, बताइए जो मेक इन इंडिया लोगो है, किस तरीके से पूछ दिया इसका। ये सब क्वेश्चन पे कोई आदमी ध्यान भी नहीं देगा कि क्या हो सकता है, लेकिन पूछ देता है द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो क्या होगा? लाइन मेड ऑफ कॉक्स। मालवी डेज इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ विच इंडियन राइटर। मालवी डेज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक किताब है, उनका बताना है कि लेखक कौन है, उनके लेखक कौन है? आर के नारायण जी। व्हाट इज द साइंस और आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड एक्सक्रेडिटिंग प्रोजेक्टाइल सो एज टू अचीव ए डिजायर परफॉर्मेंस कॉल्ड। उसको आप रट ही लीजिएगा या चाहे स्किप भी कर सकते हैं, तो इसका बैलिस्टिक हो जाएगा। व्हाट डज बाय कैमरल लेजिस्लेचर मीन। देखिए वर्ड में लिखा है बाय कैमरल, तो बाय मतलब टू होता है, तो जहाँ टू दिखे लेजिस्लेचर आर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट असेंबली। व्हाट इज द मोस्ट एवंडेंट कंबस्टिबल नेचुरल गैस। क्या है? सबको पता है मीथेन। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, बताइए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है हमारे इंडिया में? तो वो है उलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। द फेमस कैमल ट्रेंडिंग इवेंट इज अ पार्ट ऑफ विच एनुअल फेयर, कौन से मेले में होता है? तो पुष्कर मेला है, और वहाँ पर वही पुष्कर में ही राजस्थान में एक जगह है वही पुष्कर, जहाँ पे मात्र एक ही मंदिर है वर्मा जी का पूरे वर्ल्ड में, जो पुष्कर में है, क्योंकि राजस्थान में पड़ता है, अजमेर से 2 घंटे का रास्ता है। व्हाट आर वीवी पारा, वीवी पारा क्या है? ये वर्टिब्रेट्स डेट बोर्न अलाइव, ये है वीवी पारा। What is lime rick? क्या है lime rick? Lime rick होता है a form of poetry mostly in 5 lines. Lime line आपको पता चल रहा होगा, lime line से। Andromeda is a, क्या है Andromeda? Andromeda एक galaxy है neighboring the Milky Way, ठीक है, एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है। हुज कोट्स इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज बेस्ट टीचर, कौन बोले थे ये बात को? बोले थे दलाई लामा जी। व्हाट इज सिग्मो, सिग्मो क्या है? सिग्मो एक गाउन स्प्रिंग फेस्टिवल है।
कि किस किस कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसी में सब फंस जाते हैं। इन दिस सेंचुरी डेड पुर्तगाली मर्चेंट फर्स्ट लैंड इन गोवा। देखिए आपसे पहले ये नहीं पूछ रहा है कि पुर्तगाली कब आए थे, तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, लेकिन वो 15th सेंचुरी कहलाता वो, लेकिन इसमें पूछ रहा है, आप 15th सेंचुरी मार दीजिएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि गोवा पे वो सबसे पहले कब लैंड किए थे, गोवा की धरती पे, तो वो 1500 के बाद किए थे, 1505 में गोवा को कब्जा किए थे ये लोग, तो ये किस में आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा 16th सेंचुरी में आ जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16th सेंचुरी। तो इस ये समझ के 15th सेंचुरी मत मार दीजिएगा कि 1498 में ये लोग उतरे और उसके बाद 15th सेंचुरी में ये क्योंकि ये 15th सेंचुरी कहलाएगा, तो इसलिए आंसर हमारा थर्ड होगा। वाट इज ओनियोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये देखिए कभी सुने भी नहीं होंगे ये सब में क्या है नहीं है, सुने तो होंगे बहुत कोई, लेकिन हम नहीं सुने थे, हम पहली बार देख रहे थे इसको, तो ये क्या है, वाट इज ओनियोरोलॉजी, तो किस चीज़ के स्टडी को ओनियोरोलॉजी कहते हैं, तो ये ड्रीम की स्टडी को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आया गया इसीलिए ये क्वेश्चन सेट किए हैं इसमें। विच वॉज द होस्ट सिटी इन द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम हेल्ड इन 1896, तो कौन सा वो सिटी था जहाँ पे सबसे पहला ओलंपिक, देखिए सबसे पहले पहला ओलंपिक कब हुआ था, कौन से ईस्वी में, 1896 में हुआ था। अब पूछ रहा है कि 1896 में तो हुआ था लेकिन कौन से शहर में हुआ था, कौन से जगह हुआ था, तो ग्रीस है वहाँ पे एक जगह एथेंस में, तो वहीं पे हुआ था एथेंस। कार्ल सागन वाज, कौन थे कार्ल सागन, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। वाट इज इंडिया फेमस कॉमिक सीरीज स्टार्टेड बाय अनंत राय कॉल्ड, बताइए, अनंत राय बहुत चर्चित कॉमिक थी वो हमारे बचपन की यादों की, तो वो थी अमीर चित्र कथा जो कि अनंत राय जी के द्वारा बनाया गया था। वाट इज इंटरसेलर क्लाउड ऑफ डस्ट हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैस कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को कहते हैं नेबुला। वेयर इज द मॉस्क्यो, मतलब वो जो मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कहाँ पे है ये, ये कहाँ पे है, ये अजमेर में है, ठीक है। अब पूछेगा ये बनाया कौन था, तो ये बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, ठीक है। ये देखिए ये हमारी पूरी की पूरी एनटीपीसी की सीरीज है, पूरी की पूरी रेलवे की जितनी क्वेश्चन आया, जितनी भी हमारे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, ये सब जितना भी क्वेश्चन रेलवे में आया गया है पिछले 20 सालों में, उस सारा का 16 जी के कोई एक सीरीज चल रहा है, और अगर आपको अलग से एमसीक्यू की सीरीज़ देखनी है तो हमारे पर लिस्ट में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के पैटर्न में चल रहे हैं, क्योंकि थ्योरी का पढ़ने के लिए आप लोगों ने इतना टाइम हो चुका होगा, थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे, सब चीज़ कर चुके होंगे, लेकिन वो टाइम अब है नहीं कि आप थ्योरी पढ़ें, तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू का प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को जितना हो सके दिमाग में घुसाइए, और उसी से बस क्वेश्चन आज आपको 70+ क्वेश्चन आपको वहीं से आपको मिलेगा कंफर्म। तो कहाँ पे है ये, आगरा में है, ये अजमेर में है। व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज इन भूटान, बताइए भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये है थर्ड। व्हेन डिड सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए अब सिक्किम जो है ये कब हमारा भारत का राज्य, भारत राज्य का भिन्न अंग बने थे ये, तो ये कब बने थे, 1975 में। और ये एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, 35 अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम बना था, ठीक है। अगर आपसे दिल्ली पूछा जाए तो दिल्ली कौन से अमेंडमेंट में बना था, तो वो 69 अमेंडमेंट में दिल्ली को बनाया गया था। What is PNR stand for? PNR stand का मतलब PNR का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। What plant has the scientific name Solanum tuberosum? कौन है तो? वो है टमाटो, टमाटर। नेम द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो कौन करता है, तो सबको पता होगा,
हमारे यूनाइटेड नेशन। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा याद और दिमाग पे जोर डालने के दिया था कि आपको एक टन का वैल्यू पता है कि नहीं। तो एक टन का वैल्यू होता है 1000 kg, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैं लिया था। तो 1000 kg होता है तो उसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1080, तो 1080 kg हो जाएगा। वाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन मास कॉल्ड, क्या होगा, यह होगा वेट। हु इज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, बताइए कौन स्वराज पार्टी को फाउंड किए थे, वो थे हमारे मोतीलाल नेहरू साहब जी, कब 1924 को, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों मिलकर फॉर्म किए थे। BHU वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी विच कम्प्लीटेड 100 ईयर्स इन फरवरी 2016 वॉज फाउंडेड बाय, बताइए ये जो 100 साल का जो हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि BHU का जो ये थे, मतलब BHU बनाया कौन था, कौन उसके संस्थापक थे, कौन उनको राय दिए, कौन जाके बोले इधर उधर पूरा मेहनत किए ये यूनिवर्सिटी बने, तो वो कौन थे, वो थे मदन मोहन मालवीय जी के वजह से ये यूनिवर्सिटी बन पाया था। विच वन इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा है, तो आपको ये सब पढ़े होंगे, निकल, टंगस्टन, एल्युमिनियम, ये सब अच्छा है, ये कुछ अलग नाम है, तो ये नहीं होगा। हु वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 4 सक्सेसिव सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप क्रिकेट, ये देखिए क्वेश्चन पहले का है इसीलिए हम ये क्वेश्चन में लिया था। तो उस टाइम तो थे कुमार संगकारा जी, लेकिन अभी हमारा रिकॉर्ड, लेकिन ये पूछ रहा है 4 सक्सेसिव, तब भी कुमार संगकारा ही टॉप पे रहेंगे क्योंकि रोहित शर्मा का मेरे को ध्यान नहीं है क्या, लेकिन वो 6-7 तक तो मारे थे, लेकिन सक्सेसिव 4 का रिकॉर्ड तोड़ पाए थे कि नहीं पता नहीं, ये सक्सेसिव पूछ रहा है क्योंकि वो लगातार 4 शतक मारे हैं, तो ये देखना पड़ेगा। तो कुमार संगकारा, द टेक्नोलॉजी डेवलप टू ट्रैक एनिमी सबमरीन इन द इन वर्ल्ड वार टू इज, यह सिंपल से पूछ रहा है कि जो सबमरीन के लिए कौन सा ट्रैक मशीन जो होता है, जैसे रडार के लिए कोई लोकल जो है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, थोड़ा जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो धरती पर रह के, जो पृथ्वी के ऊपर रह के जो नापा जाता है दूर का लोकेट करके, कोई ऊपर से प्लेन जा रहा है तो उसको रडार से पता चल जाएगा कि कोई आसपास है, तो उसके लिए, और इसके लिए किया जाता है सोनार का उपयोग। ए ह्यूमन एडल्ट इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट, कितना मीटर लॉन्ग रहता है, ये रहता है हमारा 9 मीटर लॉन्ग। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अल्कलाइन, ये देखिए जो दूसरा ग्रुप होता है ना, पहला को अल्कली मेट ग्रुप कहते हैं, दूसरा ग्रुप को अल्कलाइन कहते हैं, तो उसमें से पूछ रहा है कि अब इसमें से अल्कलाइन कौन नहीं है, तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये तीनों एक ही ग्रुप में दिखते हैं, अल्कलाइन ग्रुप में, और ये सल्फर नहीं है तो इसीलिए सल्फर हो जाएगा। विच एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट, हमारे धड़कन से कौन सा ये सब में से रिलेटेड नहीं है, तो डिप्थीरिया। गन पाउडर मेनली कॉन्टेंट्स, गन पाउडर क्या कॉन्टेंट करते हैं मेनली, वो पोटेशियम नाइट्रेट कॉन्टेंट करते हैं। NGT स्टैंड फॉर, क्या होगा NGT का फुल फॉर्म, ये होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इंडिया कम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर, तो कौन से साल में ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया आया था, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा हक छीन के ये ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, जो कि उस टाइम इंग्लैंड में, जो डायरेक्ट फिर वहाँ से शासन होता यहाँ डायरेक्ट, अब भारत में कुछ नहीं, डायरेक्ट वो सब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो कब हुआ था, कब छीना गया था इनसे, तो 1858 में। उस समय वायसराय कौन थे हमारे, उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। इंडिया कवर डैश ऑफ अर्थ लैंड एरिया, जो भारत है हमारा पूरे वर्ल्ड में कितना लैंड एरिया कवर करता है, तो वो 2.4%। कल की हमारी सीरीज ज्योग्राफी की
उसमें ये क्वेश्चन हमने बताया था, एक बार आप देख लीजिएगा। विच वन इज़ कंसिडर्ड एज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो हमारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो था परम 8000। बांग्लादेश हैज़ लैंड बॉर्डर विथ, बताइए बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ तो सीमा सब शेयर करता है, ये तो पता है, ठीक है, लेकिन ये एक देश के साथ और करता है जो कि म्यांमार के साथ, ठीक है, तो इंडिया एंड म्यांमार, तो आप ऑप्शन से भी आप पता कर सकते हैं, जैसे चाइना, चाइना का तो कभी सट ही नहीं सकता है, या आप मैप देखिएगा तो पता चल जाएगा चाइना से कभी सट ही नहीं पाएगा ये, भूटान से भी कभी सट ही नहीं पाएगा, किसके नीचे यहाँ पे म्यांमार बांग्लादेश, म्यांमार सटा हुआ है नीचे में, ठीक है, तो इसीलिए इंडिया एंड म्यांमार। ए कंपाइलर इज ए कंपाइलर क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है। ताशकंद समझौता कब हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को अज्ञात मौत हो गई थी, उस टाइम बहुत दुखद समाचार थी उस समय समय की, जो आज तक पता नहीं हो पाया कि उनकी मृत्यु आखिर हुई कैसे, ये की साजिश थी कि क्या थी। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था, 1965 गलत है लेकिन वो ऑप्शन, लेकिन 1966 में हुआ था, जनवरी के 6 से 10 जनवरी के बीच में हुआ था, लेकिन दिया हुआ है तो इसको मान लेंगे आसपास। विच रिवर डज नॉट फ्लो इन टू द अरेबियन सी, बताइए, अब अरेबियन सी पहले अभी देखिए इधर है और बे ऑफ बंगाल, देखिए इधर है, इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल, अब पूछ रहा है कि रिवर जो है डज नॉट फ्लो इन द अरेबियन, कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी में फ्लो नहीं होता है, तो कौन सा, देखिए पेरियार होता है, कल हम लोगों ने जो वीडियो उसमें ज्योग्राफी की जो सीरीज उसमें ये सारी क्वेश्चन है, नर्मदा ताप्ती पेरियार ये सब वेस्टर्न साइड की नदियाँ हैं, तो ये सारा सारा का सारा इधर से इधर जाएंगी, और महानदी ईस्टर्न, तो महानदी हो जाएगा। और कहाँ से निकलता है नर्मदा, नर्मदा सोन और महानदी ये तीनों अमरकंटक से निकलते हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती कहीं और से निकलता है, और नर्मदा और सोन चला जाता है बे ऑफ बंगाल के साइड, महानदी भी बे ऑफ बंगाल के साइड, सिर्फ एक ही है जो इधर आता है वो है नर्मदा, और ताप्ती और पेरियार ये केरला के पास है, और केरला यहीं पर पड़ता है जस्ट, तो इसी तरीके से ये नदी भी अरेबियन सी में जाके गिरती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महानदी। ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेज, आदमी क्या लेता है क्या छोड़ता है, आदमी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यूजली कलर ब्लाइंडनेस इज, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, जेनेटिक डिस्पोजिशन है क्या, नॉन जेनेटिक कंडीशन है या लाइफ स्टाइल डिजीज है या काउज्ड बाय एक्सपोजर टू लाइट, तो क्या है ये, एक जेनेटिक डिस्पोजिशन है। What will happen to a person weight when he is in a moving elevator? देखते होंगे जो elevator होगा ऊपर चढ़ते जो मॉल सब में लगा रहता है, तो अगर हम उसके ऊपर से जैसे चढ़ के जा रहे हैं तो बताइए हमारा वेट चेंज होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, वेट विल नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। What is the common name of the solution of the calcium hydroxide? तो सबको पता होगा lime water। जंतर मंतर इन दिल्ली इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट फॉर, देखिए अभी के टाइम तो जंतर मंतर को लोगों ने एक हंगर स्ट्राइक का जगह बना चुका है, जब भी कुछ हो तो जंतर मंतर सब पहुंच जाते हैं, मार्च करने है, कैंडल लेके, तो कोई राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन पहले के ज़माना में ये क्या था जंतर मंतर, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था। मल्टी टास्किंग सिस्टम स्पेशली रेफर टू, तो मल्टी लगा हुआ है तो मोर देन वन प्रोसेस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात आई है, तो सबसे पहले बात आएगी कि इनको नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है, कितने साल के लिए होते हैं इनका कार्यकाल, 6 साल के लिए होता है, ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख है इलेक्शन कमिश्नर का, तो हमारे भाग 15 के आर्टिकल 324 में है, ठीक है, और हमारे अभी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी हमारे कौन है,
तो अभी हमारे हैं सुनील अरोड़ा साहब, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किस तरीके से रिमूव हो सकते हैं अपने ऑफिस से, तो वो हो सकते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में उन पर बात चलेगी तो उनके थ्रू ये बाहर जा सकते हैं। एज पर 2011 सेंसस इंडिया द पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज अबाउट, देखिए सबसे ज़्यादा अभी अगर राज्य का पूछा जाए भारत में तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार का है, 1123 जो आदमी है ना पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहा है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी मतलब कसमोकस में बिहार का जगह है। तो ये पूछ रहा है कि पूरे इंडिया में कितने पीपल हैं जो पर स्क्वायर किलोमीटर में रह सकते हैं एक अनुमान के अनुसार, तो 382 पीपल। द पॉलिटिकल सिस्टम इन अफगानिस्तान इज़ नॉन एज, देखिए वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम इस ऑप्शन के थ्रू आप बताइए क्या होगा, तो ये होगा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन, आप बताइए। एक सबसे पहले बताइए क्या होगा, ये होगा 22 अगस्त 1947 को। When milk becomes sour, dash is produced. अगर जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। येल्लो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड एमोंग ह्यूमंस बाय, जो येल्लो फीवर है जो हमारे शरीरों में ट्रांसफ़र होता है तो किसके वजह से होता है, तो ये होता है फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट से। द पॉपुलर यांकी स्टेडियम इन USA इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है द पॉपुलर यांकी स्टेडियम, ये लोकेटेड है हमारा न्यूयॉर्क में, यांकी स्टेडियम। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, बताइए अब इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या कन्वर्ट करेगा, देखिए इसका एक तरीका याद करने का, जैसे देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक ई और यहाँ मोटर से एम होता है, तो अब ऑप्शन में देखिए कि सबसे पहला लेटर का क्या किस तरीके से होगा, तो देखिए ई से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एम से मैकेनिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसमें कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, इसीलिए हमने बताया कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में नहीं होगा, जहाँ पर सिंबल ई का है तो पहले इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। व्हेन द कार टेक्स ए बेंड द फोर्स दैट पुशेस अस टू द आउटसाइड ऑफ द कर्व इज द, किसके वजह से बताइए, किसके वजह से ऐसा होता है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ, किसका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, ये CSIR के होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वॉज फाउंडेड इन, कब फाउंड हुआ था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये हुआ था 1965 में, कौन कौन फॉर्म किए थे, बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने दोनों मिलकर। विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड, देखिए हमने अगर ग्लैंड में पढ़ा होगा, जैसे ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, अभी हम लोग बायोलॉजी की एक सीरीज आ चुकी है, तो अभी हम लोग जब बायोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज लाएंगे तो उसमें ये सारी की सारी क्वेश्चन होंगे, उसमें भी 1000+ की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में हमारे, तो इसमें ग्लैंड के बारे में पूछ रहा है। तो ग्लैंड हमारी दो होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो उसमें से अब उसके अंदर भी होता है कि इंडोक्राइन में कौन कौन सा होता है और एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन में देखिए क्या होता है, बस दो चीज़ को इसमें ध्यान से रखिए, अब ग्लैंड ख़त्म हो जाएगा। एक्सोक्राइन मतलब, एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब जो भी बाहर का चीज़ हो ग्लैंड वाला, जैसे हम लोग का पसीना चूता है, ये सब चूता है, ये सब सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, जो हमारे नाक से ऑयली स्किन निकलता है वो निकलता है, वो सारा का सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड में जो कि अंदर ही रहता है, जो कि अंदर ही अंदर, जैसे एड्रेनल हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी हो गया, और जो पैनक्रियाज है वो दोनों ग्लैंड कहलाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और इंडोक्राइन ग्लैंड भी, ये इंपॉर्टेंट है कि पैनक्रियाज है वो दोनों ग्लैंड का काम करता है, और हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होता है, लीवर, जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन।
ठीक है, तो इसमें से बताना है कि आपको कौन सा ग्लैंड नहीं है, तो गैल ब्लैडर ग्लैंड नहीं है इसमें से। एवरी सेट इन द डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस इज कॉल्ड, क्या होगा, ऑक्टेट। पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड डूरिंग, बताना है कि जो हमारा पार्लियामेंट बना हुआ है दिल्ली में, कौन से वर्ष के बीच में बन के तैयार हुआ है, तो तैयार हुआ है 1921 से 1927 के बीच में। एनीमिक कंडीशन इज ड्यू टू, जो एनीमिक कंडीशन है किसके वजह से होता है, तो ये होता है आरबीसी के कमी के वजह से। ये देखिए, ये क्वेश्चन इस बार के एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो नागालैंड में किया जाता है। लेप्रोसी इज आल्सो नॉन एज, बताना है कि लेप्रेसी जो है ये और कौन सा डिजीज, इसको और नाम से पुकार सकते हैं, तो ये हैंसेंस डिजीज नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। जंतर मंतर इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय महाराजा, देखिए जंतर मंतर तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए था, तो पूछ रहा है कि जंतर मंतर को बनाया कौन, तो कौन से महाराज थे जो बनाए थे, तो ये थे जय सिंह द्वितीय ऑफ जयपुर। नेम द सिक्योरिटी फोर्स विच डज नॉट फॉल अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह जब जी हैं तो अब पूछ रहा है कि इसमें से नॉट यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा सिक्योरिटी फोर्स नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस इज मिथेन, डैश एक्सटिंग्यूशेस फायर, देखिए जो हमारे जो आग बुझाने की जो मशीन होती है जो हर एक हॉस्पिटल में लगा हुआ होता है, वो लाल कलर का जो एक होता है लोहा का, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो उन गैस भरी होती है CO2 गैस। इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप देखिए सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ये जानना जरूरी है आपको कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर अभी कुछ दिन के लिए खाली है, अगर प्रेसिडेंट को हटाया गया है, तो प्रेसिडेंट की भरने की प्रक्रिया का संविधान में ये उल्लेख है कि 6 महीने के अंदर आप उसको नियुक्त करना ही करना होगा, तो अगर वो 6 महीने के बीच में अगर कोई पोस्ट संभालना चाहे तो वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अब्सेंट है, प्रेसिडेंट भी अब्सेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी अब्सेंट है, तब उस समय जो हमारे उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे, तो हमारा आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा। और एक ही ऐसी व्यक्ति हैं भारत में जो ये उनको ये जगह मिला हुआ है, वो हैं एम हिदायतुल्ला, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मतलब प्रेसिडेंट का भी काम कर चुके हैं, अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको दिखेगा। ए जनरेटर कन्वर्ट्स, जनरेटर कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विच वन इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, आपको बताना है कि इसमें से नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, HTML, तो लैंग्वेज है ना HTML। मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, जो लट्टू होता है वो किसका एग्जांपल है, कौन से फोर्स का एग्जांपल है, वो किसका, किस तरीके, किस, बताइए, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल। विच वन इज एंटीवायरस, बताइए इसमें से कौन सा एंटीवायरस है, तो ये है डॉक्टर वेव। देखिए इस सारी क्वेश्चन मैं अपने से खुद से नहीं लिया हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, कि कुछ कुछ थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो भी पिछले 20 सालों में पूछा रहा है उनका एक सीरीज है जो शुरू से हम लोग ले रहे हैं, उसके धीरे धीरे आपको दिखेगा कि क्वेश्चन इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं RBNTPC में। लू सॉन्ग फेस्टिवल, आपको बस थोड़ा सा मिसलेनियस थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी बहुत ईजी आता है, बस जो मिसलेनियस होता है जो जैसे ये सब लूसोंग फेस्टिवल
कौन से राज्य में बनता है, तो ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। तो कौन से राज्य में बनता है, वो सिक्किम में। द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ तमिलनाडु, ये देखिए आ गया ना तमिलनाडु का। तमिलनाडु का मैंने क्या बताया था, तमिलनाडु का मैंने बताया था क्या, भरतनाट्यम, ठीक है। लेकिन भरतनाट्यम तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका एक और डांस होता है, ठीक है। देखिए आप इससे ऑप्शन में देखिए देखिए छांट सकते हैं कैसे। देखिए आप, अगर मैंने ये चीज़ भरतनाट्यम बताया था और मैंने सबका बताया था कि उसका ये होता है उसका ये होता है, तो मैंने क्या बोला था, जो भी लास्ट में जिसके लास्ट में अट्टम रहेगा वो केरला का हमेशा होगा। तो देखिए ऑप्शन कैसे छांटिएगा आप, ये केरला का। ये देखिए यक्षगान, यक्षगान मैंने किसका बताया था कि कर्नाटक का होता है ये क्लासिकल डांस। देखिए ये भी हो गया। अभी देखिए कथकली, कथकली किसका है, केरला का है। देखिए अगर आपको ये तीनों पता है तो आप नहीं भी जान पाइएगा, अगर आपको सिर्फ तमिलनाडु में सिर्फ भरतनाट्यम पता है तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। द टेक्निक यूज फॉर प्रिंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपियरिंग ऑन द फेस ऑफ द इंडियन करेंसी नोट, वो देख जो नोट पे जो दिखता है ना RBI का लोगो, वो किस टेक्निक, मतलब कौन से प्रिंटिंग टेक्निक से वजह से होता है, तो वो दिखता है इंटाग्लियो प्रिंटिंग। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया इन, बताइए। सब सोचेगा कि 1947 में, लेकिन नहीं, ये 1946 में हो गया, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, मतलब वो कब एग्री हुए थे कि आप, अब वो मान चुके हैं, सारा एग्रीमेंट हो चुका है, सारा साइन हो चुका है कि हम जा रहे हैं अब, तो वो 1946 में हुआ था। यस्ट ईस्ट इज मेकिंग ब्रेड, यस्ट ईस्ट एक पाउडर टाइप का कुछ होता है जो कि ब्रेड में डाला जाता है, वो मतलब थोड़ा जो मुलायम करने के लिए जो होता है ना, ब्रेड को थोड़ा सा मुलमुला करने के लिए, केक वेक में थोड़ा सा मुलायम करने के लिए, तो उसमें यीस्ट का प्रयोग होता है, तो वो एक्ट करता है कैटलिस्ट, फर्मेंटेशन में हेल्प होता है, तो वो जो केक रहता है थोड़ा सा लूज हो, थोड़ा सा इस तरीके, समझ रहे हैं, जैसे ब्रेड जैसे लूज रहता है उस तरीके से। लुइस पास्टर वॉज नॉन फॉर डिस्कवरी फॉर, किसके लिए है, ये तो प्रसिद्ध हैं लुइस पास्टर जी, तो ये रेबीज वैक्सीन का खोज किए थे, जो कि उस समय का वरदान था। ये इनका कहानी आप देखना, ये उस समय का ये वरदान दे के गए थे, क्योंकि उस समय लाखों करोड़ों लोग रेबीज से मर रहे थे, तो उस समय ये उनका आविष्कार किए थे रेबीज का, और आज तक किसी को अब रेबीज नहीं होता है, नहीं तो पहले रेबीज का कोई खोज नहीं था। जैसे आज अभी कोरोना वायरस फैल रहा है ना, जैसे अभी मर रहे हैं, तो उसी तरीके से उस ज़माने में, लुइस पास्टर के ज़माने में रेबीज बहुत फैलता था, तो उस समय ये रेबीज का खोज बनाए थे। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, बताइए मॉडर्न जेनेटिक के फादर कौन है। आप लोगों को पता होगा चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हैं, हम लोगों ने ज्योग्राफी की सीरीज की उसमें भी बताया गया है, तो ये होगा हमारा जॉर्ज मेंडल। ये क्वेश्चन हमारी जो बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें का आया हुआ ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुनामी वार्निंग साइन, बताइए सुनामी वार्निंग साइन कैसे पता चलेगा कि अब सुनामी आने वाला है, मतलब वार्निंग दे रहा है वो, वैसे कि जब वाटर जो फॉलिंग होगा बैक क्विकली फ्रॉम द बीच। द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द रेयर गैसेस इज, हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ये नोबल गैसों में सबसे एबंडेंट रेयर गैस कौन है, वही रेयर गैस पूछ रहा है, मतलब नोबल गैस तो कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन है। ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट डैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोब टू द कुइपियर बेल्ट बॉडीज, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा न्यू होरिजोन। ड्राई फ्रूट लाइक रेजिन्स, मतलब किसमिस, व्हेन सोक्ड इन वाटर बल्ज एंड गेट विद वाटर, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन दैट एक्सप्लेन दिस डेली लाइफ इवेंट। कोई कोई देखते होंगे जो खाने वाले होंगे थोड़ा सा, तो रात में किसमिस को फूलने छोड़ देते होंगे पानी में और सुबह उठ के खाते होंगे, तो क्या होता है, तो वो किस लिए खाते हैं, तो वो ऑस्मोसिस के वजह से।
वो थोड़ा सा इसमें अलग से कुछ निखार रहता होगा। फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल है पिल्स है वो क्या है, तो वो मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है। मतलब ये जो 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 बर्थ कंट्रोल जो पिल होता है वो जो, तो आप समझ जाएंगे, छोड़िए। हरप्पा पीपल डिड नॉट वर्शिप वन ऑफ द फ्लोइंग गॉड, जो हरप्पा सभ्यता के लोग थे कौन से भगवान का पूजा नहीं करते थे, वो लोग नहीं मानते थे वो विष्णु जी को, वहाँ नहीं मानते थे। द फेमस गोलकोंडो फोर्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, बताना है कि जो गोलकोंडो, जो गोलकोंडा फोर्ट है, गोलकोंडा का किला कौन से राज्य में है, तो वो है तेलंगाना राज्य में। ये देखिए आ गया वो, नहीं वो नहीं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल टू हायर जुडिशरी, देखिए कौन हो गई है, ये होगी जस्टिस एम फातिमा बीबी, और ये पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज भी हैं ये, ठीक है, पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला में ये, ठीक है, तो फातिमा बीबी। वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन, वर्नल इक्विनॉक्स कब अकर होता है, ये होता है 20 मार्च को। इन विच डायरेक्शन डज द टेल ऑफ कॉमेट पॉइंट टुवर्ड, तो ये अवे फ्रॉम द सन रहता है ये। वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व बुद्धिस्ट कैव कार्ला इज इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, बताइए एक बहुत ही अच्छा बुद्ध जी का गुफा है कार्ला में, ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, ये है महाराष्ट्र में। विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, बताइए कौन सा, मैं तो बोल के कल से बता रहा हूँ, अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी, तो नर्मदा आंसर हो जाएगा। देखिए वो क्वेश्चन आ गया ना, हु इज द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, एक ही आदमी है, वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। द फर्स्ट गैसोलीन रन कार इंजन वॉज डेवलप बाय, पूछ रहा है कि द फर्स्ट गैसोलीन रन कार इंजन वॉज डेवलप बाय, कौन डेवलप किए थे, वो किए थे कार्ल बेंज। डैस वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, देखिए सीजल में भी सर हर बार पूछता है ये सोच लीजिए ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, हर बार पूछेगा आपसे, तो यह है श्री मावो भंडार नाइक है, कोई ना कोई सेट में पूछ देगा। बिल गेट्स को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन 1975 विथ, किसके साथ, पॉल जी एलन के साथ। नेपाल फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट इज, नेपाल की पहली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थी, महिला राष्ट्रपति, वो थी विद्या देवी भंडारी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 44 में। विच वन इज नॉट ए फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया, बताइए कौन सा है जो इसमें फुटबॉल स्टेडियम नहीं है भारत में, तो वो ये है सरदार पटेल स्टेडियम, ये तो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा था, तो ये नहीं होगा। सी मोस क्या है, ये एक बैटरी पावर रिमूव चिप, मेमोरी चिप है। बोरोसिलिकेट्स ग्लास वेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन बिकॉज, क्यों इस ग्लास का यूज किया जाता है माइक्रोवेव में, क्योंकि इट इज हाईली हीट रेजिस्टेंट, इसीलिए। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड बाय, कौन फाउंड किए थे, विक्रम साराभाई। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट पशुपतिनाथ इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है पशुपतिनाथ, यह है काठमांडू में। एस्ट्रोनॉट इनसाइड स्पेस शिप फील डैश वेट, कितना वेट उनको लगता है, तो जीरो वेट, कोई वेट ही नहीं लगता है अंदर में। द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ, ये जो हमारा पीछे का रीढ़ का हड्डी है कितने हड्डियों से मिलके बना है, तो ये 33। एयर इज ए,
हवा क्या है? मिक्सर है एलिमेंट और कंपाउंड का। द नंबर ऑफ लोकसभा सीट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545 इन 1973। हमारे संविधान में संशोधन हुआ तो 525 सीट से 545 सीट तक 1973 में लेके आए थे। काली नदी इज अनदर नेम ऑफ द रिवर। काली नदी किसका एक अलग नाम है? तो वही यमुना जी का, जो कि किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोन, गंडक, घाघरा, यमुना, ये सब सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां लोहित, तिवांग, सुबनसिरी, जितना उधर के हैं गारो, नागा, गारो, खासी, जयंती, जितना भी उस साइड के हैं नॉर्थ ईस्ट के। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट नहीं है यहाँ, फर्स्ट होगा, सॉरी, वॉज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो बताना है कि सबसे पहला क्रांतिकारी लड़ाई किसे हम लोग मानेंगे? तो हम लोग मानेंगे अपराइजिंग ऑफ 1857। डैश इज नॉट ए केमिकल चेंज। देखिए, कुकिंग नहीं है कि केमिकल चेंज है, बेकिंग है के केमिकल चेंज है, रोटिंग बनाना केमिकल चेंज है, जो मेल्टिंग एंड आइस, आइस रखा हुआ है क्यों पिघल गया, तो थोड़ी कोई मेल्ट, ये कोई केमिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज है, ये अपने आप पिघल रहा है गर्मी से। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एयर। ठीक है, एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी दो गैसें बहुत एकदम रट लीजिए दिमाग में अपने अच्छे तरीके से। एसिड रेन के बारे में SO2 और NO2, ये दो गैस बस, एसिड रेन, SO2, NO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। वेस्टर्न ब्लॉट इन द डायग्नोस्टिक्स टेस्ट फॉर, किसके लिए टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट का टेस्ट? ये HIV चेक करने के लिए। विच क्वीन ऑफ अहमदनगर अपोज्ड एम्परर अकबर। कौन सी रानी है जो अकबर के खिलाफ सामने खड़ी हुई थी? तो वो थी चांद बीबी अहमदनगर की। वो इन्वेंटेड द बायोफोकल ग्लासेस। कौन इन्वेंट किए थे बायोफोकल ग्लासेस? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने। वो इन्वेंटेड द मोबाइल फोन। बताइए मोबाइल फोन कौन इन्वेंट किया है? ये इन्वेंट किए हैं मार्टिन कूपर। नेम द आर्किटेक्ट हु डिजाइन न्यू दिल्ली। देखिए, जो भी पार्लियामेंट हाउस है ना, पार्लियामेंट हाउस हो गया आपका, राष्ट्रपति भवन हो गया आपका, इंडिया गेट हो गया आपका, जितना भी है वो सारा का सारा सर एडविन लुटियंस जी डिजाइन किए थे, आर्किटेक्ट किए थे, सारा का सारा यही बनवाए थे, सारा डिजाइन इन्हीं का था। तो इनको एक बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है इस चीज़ के लिए, मतलब वो अपने लिए बनवा रहे थे सब चीज़, अपने लिए बनवाए थे ऐसा ऐसा, जो पार्लियामेंट हाउस है सब अंग्रेज़ों ने बनाया है, सब अंग्रेजों ने, पार्लियामेंट हाउस अंग्रेज ने बनाया है, राष्ट्रपति भवन पूरा अंग्रेजों ने बनाया है। इन विच स्टेट इज़ द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिचुएटेड। कहाँ पे है ये, किसे बोला जाता है? ये उत्तराखंड में है। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट वेयर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कितनी प्रिंसली स्टेट थी उस समय भारत में? तो उस समय थी 565। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न रेनाइजियंस। कौन है फादर ऑफ मॉडर्न रेनाइजियंस? तो वो है हमारे राजा राम मोहन राय। हु इन्वेंटेड द बैंडेड। ये देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ है, हम खुद अपने से कुछ नहीं डाले हैं इसमें, तो सारा क्वेश्चन आया हुआ है, सारा का सारा वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं, जो कि रिपीटेड, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ था तो मैं एक बार इसमें दिया हूँ। बहुत क्वेश्चन ये, इतना आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप, आपको जेके कहीं गलत नहीं होगा। और जो हमारी सीरीज चल रही है, बस कुछ नहीं, हमारी सीरीज और जो वीडियो हम देते जा रहे हैं बस उतना आप कीजिए जीके के लिए, गारंटी बता रहे हैं आपका 70+ कन्फर्म स्कोर कीजिएगा आप, बस उसको थोड़ा सा बस याद करने में, क्योंकि आप एग्ज़ाम में सब चीज़ आप जानते रहेंगे लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ी के कारण आपसे मिस्टेक हो ही जाएगा चाहे कितना भी कर लीजिए, तो उसी मिस्टेक को थोड़ा सा जितना हो सके वो कम करना है, ठीक है? तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका मिस्टेक होने का चांस बहुत कम रहेगा। सारा का सारा दिमाग MCQ में रखिए, जो जान रहे हैं आप वो सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा।
तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा अर्ल डिक्सन। When two liquid do not mix with each other to form a solution, what is it called? तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं immiscible। Glacier are formed by, glacier किस चीज़ से बनता है, कैसे बनता है, तो accumulation of snow से। How many astronaut have walked on the moon? कितने astronaut हैं, total 12 astronaut। What is the process of slow cooling of hot glass called? क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है annealing। In which schedule to the constitution of India is the list of state and union territory given? तो हमारे कौन सी अनुसूची में ये इनका उल्लेख है, तो ये हमारी फर्स्ट अनुसूची में है। इसकी एक ट्रिक है शेड्यूल की कि SP की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहाँ की वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा तय, नगर पालिका दल बदल, ठीक है, 10वां में दल बदल आता है और 11वां में पंचायत और 12वां में नगर पालिका, ठीक है, 10वां में दल बदल कानून है, 8वां में आपको भाषा का उल्लेख है, तो उसी तरीके से पहले में स्टेट के बारे में बताया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीजिया इज यूज एज ए, तो किस चीज़ के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीजिया यूज हो सकता है, तो वो लक्सेटिव के लिए। हु कंस्ट्रक्टेड द हवा महल, बताइए हवा महल कौन बनवाए थे, वो बनवाए थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह। विच किंग स्टोरी इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षसा, तो कौन है वो, चंद्रगुप्त मौर्य। Who has been responsible for building the Great Wall of China? कौन responsible है इसके लिए, इसके लिए responsible है किन सी हुआंग। Which among the following is called Quicksilver? किसे बोला जाता है Quicksilver? यहाँ पर ये छूट गया है तो मरकरी को बोला जाता है। Which of the following is a vertebrate? तो कौन है इसमें से example vertebrate का, तो वह है कीवी। तो ये देखिए, ये रहा हमारी आज की इम्पोर्टेंट 215 क्वेश्चन, जो कि 1500 सीरीज की एक, ये एक पहली पार्ट है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कैसा लगा सेशन बताइए, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। ये सही बता रहे हैं आप, इतना भी बस अब कर लीजिएगा ना, ना तो RRB NTPC जो एग्ज़ाम आने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो 1500 की जो सीरीज होगी, अब ये 1500 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आप RRB NTPC में आप कहीं नहीं मात खाएंगे। और जो हमारा वीडियो है जो पूरा चल रहा है सीरीज लाइन बाय लाइन, सिर्फ और सिर्फ MCQ का है, जितना प्रैक्टिस करना है आपको MCQ का, पूरा हम लोग सिर्फ MCQ ही देंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।